इस वीडियो में हम जानेंगे गेटवे के बारे में कि गेटवे क्या है और कैसे ये काम करता है। इसके साथ साथ हम कवर करेंगे इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को। तो गेटवे के अलावा अगर आप हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, मोडम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक अवेलेबल है, आप उसे चेक कर सकते हैं। गेटवे एक डिवाइस है जो कि एज एंट्री पॉइंट काम करती है नेटवर्क के बीच में। ये हेल्प करती है डिफरेंट प्रोटोकॉल और आर्किटेक्चर के नेटवर्क को कि वो आपस में कम्युनिकेट कर पाएं और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। गेटवे का नॉर्मली यूज़ किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क को इंटरनेट या फिर दूसरे लार्जर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्ट करने के लिए। ये एक गेट क्रिएट करता है दो नेटवर्क के बीच में। तो गेट आप सिंपली समझ सकते हैं जो हमारे घर का गेट होता है, उसी के थ्रू हम आते हैं और जाते हैं। सेम नेटवर्क की जब हम बात करते हैं, गेटवे का यही काम होता है कि एक गेट का काम करता है जिसके थ्रू हम डेटा को सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ये हमारा स्विच है। स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइसेस है। तो यहाँ पर स्विच एक गेटवे का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है। इसी की हेल्प से जितनी भी डिवाइसेस हैं वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर पाएंगी, वहाँ से डेटा को रिसीव कर पाएंगी या सेंड कर पाएंगी। सेम इसी तरह हमारा राउटर है, ये भी एक गेटवे का काम करता है। जितने भी हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, लैन हमारे डिफरेंट नेटवर्क्स हैं, उन सभी को ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है। तो सिंपली गेटवे वो रास्ता है जहाँ से एक नेटवर्क किसी दूसरे नेटवर्क के साथ या फिर उससे भी बड़े नेटवर्क के साथ कनेक्ट होता है। तो बात करें गेटवे एडवांटेजेस की, तो नेटवर्क गेटवे डिफरेंट नेटवर्क को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है ताकि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें और डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। गेटवे कनेक्टेड नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है किसी भी इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर और मॉनिटर करके। गेटवे 7 लेयर ऑफ प्रोटोकॉल में ऑपरेट करता है। हम इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते हैं बिना गेटवे की हेल्प के। देन लास्ट में हम बात करेंगे गेटवे के डिसएडवांटेजेस की। अगर एक नेटवर्क गेटवे फेल हो जाता है तो ये नेटवर्क्स के बीच में कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब करता है। गेटवे की वजह से लेटेंसी आती है क्योंकि ये प्रोटोकॉल कन्वर्जन, ट्रैफिक फिल्टरिंग और सिक्योरिटी चेक्स पर ज़्यादा ध्यान देता है। गेटवे नेटवर्क को कॉन्फ़िगर और मैनेज करना काफ़ी कम्प्लेक्स होता है। तो ये था वीडियो गेटवे के बारे में। इसी तरह अगर आप हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, मोडम और रिपीटर के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सब का लिंक अवेलेबल है।